हम पार्टियों में बंद के अपने महान नेताओं के लिए अलग अलग जगह जाएं, इस बात का मैं कहीं जाए कोई कोई नहीं जाए, कोई किसी नेता के लिए जाए कोई किसी के लिए नहीं जाए, इन चीजों से ऊपर उठ के अगर देश की राजनीति चलानी है, हरियाणा के अंदर एक नया दौर कायम करना है, तो देवीलाल जी जैसे महापुरुषों के लिए किसी पार्टी का बंधन नहीं होना चाहिए, किसी इंसान का बंधन नहीं होना चाहिए, सबको मिलके अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने चाहिए। मैंने जैसे कहा कि लड़ाई तो बहुत किस्म की होती है, कोई लोग यूनियन बनाते हैं, कोई एसोसिएशन बनाते हैं और अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन किसान के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए और उन लोगों के लिए जो आर्थिक असमानता का शिकार है, कल या परसों के अखबार में मैं पढ़ रहा था, एक तरफ तो 200 रुपए कमाने वाली आए एक परिवार और एक परिवार ऐसा जिसकी आमदनी हर रोज 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो, ऐसी असमानता में, ऐसी डिस्पेरिटी में अगर अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी तो देश से कभी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। ये जो कमेरा वर्ग है, जो अपनी मेहनत करके पसीना बहा के अपने परिवार का पेट पालता है, 76 साल की आबादी में उसके लिए आज भी मैं ये कहता हूं कि इस देश की धन दौलत में उसका कोई हिस्सा नहीं है, और यही हाल किसान का है। किसान जिसने 9 गुना पिछले 56-57 साल में, जब से गेहूं का और दूसरी फसलों की एमएसपी तय हुई थी, 9 गुना उत्पादन बढ़ाया हो, वो आज या तो बैंक का कर्जाई है या किसी साहूकार का कर्जा लिया हुआ है या किसी का कोई रिश्तेदार आर्थिक तौर पे मजबूत है तो उससे भी पैसा उठाया हुआ है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिलता। आज भी वो गरीबी का शिकार है, आज भी वो इन बंधनों में बंधा हुआ है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लड़ाई तो पुरानी है लेकिन देवीलाल जी ने इस लड़ाई को लड़ने का एक तरीका, जैसे मैंने कहा, लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ने के लिए, अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जो अभियान चलाया था उसी का कारण है कि 13 महीने किसानों का आंदोलन चला और जो उनकी मांग थी कि 3 कानून वापस होने चाहिए, किसान संघर्षरत रहा। उसको पता था कि अगर मैं संघर्ष में कमजोर हो गया या पीछे हट गया तो मेरी जमीन भी जाती रहेगी, ये उसके मन में एक भाव था। और ये भाव इसलिए कि देवीलाल जी ने अपनी जिंदगी में इस लड़ाई को लड़ने का संकेत दिया था किसानों को कि जाति पाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के, अपनी मान्यताओं से ऊपर उठ के अपनी लड़ाई को लड़ना सीखो। लेकिन आज भी लड़ाई पूरी नहीं है, इसलिए मैं जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं वहां मैं ये भी कहता हूं कि इस लड़ाई को लड़ना है तो एक होके लड़ सकते हो, अलग अलग होके आप नहीं लड़ सकते। और उनकी इस जन्मदिन पे मैं इतना ही कहूंगा कि जो उन्होंने आदर्श, जो लड़ाई का बिगुल बजाया था, मैं आज 77 साल का हूं, मेरा राजनीति से नहीं, लेकिन एक बात आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि जब तक जीवित रहूंगा किसान की और कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता रहूंगा, यही प्रेरणा देवीलाल जी ने दी थी। धन्यवाद।